जय हिंद दोस्तों। डायबिटीज के बारे में सभी जानते हैं, पर डायबिटीज का ट्रीटमेंट कैसे करें, डायबिटीज को कैसे हैंडल करें, ये बहुत कम लोग अपनाते हैं। जानते सभी कुछ हैं, डॉक्टर सभी बताते हैं। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें होती है वो हम साथ में रखते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो अपना पेन साथ में रखूँगा, अपना स्टेथो साथ में रखूँगा। डायबिटीज़ के मरीज को ऐसे ही ब्लड ग्लूकोज नापने का जो यंत्र होता है, ग्लूकोमीटर जिसे कहते हैं, वो उसके पास होना चाहिए। और ये ग्लूकोमीटर आपका अनावश्यक खर्च नहीं होता, बल्कि आपके कई सारे खर्च बचा सकता है। आधी रात को आपका ब्लड ग्लूकोज कम हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, आपको चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी जैसा लग रहा है, आप अस्पताल दौड़ेंगे और आजकल अस्पताल में जाके घूम के आने का खर्च 10-20 हज़ार रुपये होता है। यदि आपके पास ग्लूकोमीटर है, आप टेस्ट कर सकते हैं और आपका हाइपोग्लाइसीमिया आप घर पे ही करेक्ट कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मतलब आपके पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए जिस दिन आपको डायबिटीज़ का पता चले। दूसरा, मोटापा डायबिटीज़ की जननी है, या यूं कहें कि बहुत सारे रोगों की जननी है। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, मोटापा होगा, फिर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस, फिर डायबिटीज़ होगी, डायबिटीज़ से ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट की बीमारियां होगी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, किडनी की बीमारियां। तो क्यों ना हम जड़ पे प्रहार करें और मोटापे को ही रोकें। तो मोटापे को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका जो है, मोटापे को बढ़ने ही नहीं दिया जाए। जैसे ही आपका वेट गेन होने लगता है, आप उसी टाइम सजग हो जाएं और अपने आप को कंट्रोल करें, वहीं से अपना रेगुलर एक्सरसाइज, खाने में कटौती करें ताकि आपको मोटापा नहीं हो। तो हम डाल काटने के बजाय जो पेड़ की जड़ है उसको, उसके ऊपर हम प्रहार करेंगे। तो वजन को आप नियमित रखें, वजन अधिक होता है परंतु आप रेगुलर, आपकी दिनचर्या अच्छी है, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप हेल्दी फूड लेते हैं, तो भी आपको उसके बेनिफिट सारे मिलते हैं, भले आपका वजन कम ना हो। तो वजन कम नहीं होने से आप अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को मत चेंज करिए। तो और एक चीज़ सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में जो ज़रूरी हो गई है कि हम आर्टिफिशियल लाइफ ज़्यादा जीते हैं। तो जितना आप नेचुरल रहेंगे, नेचुरल खाएंगे, नेचुरल बिहेव करेंगे, उतना आपको बीमारियों से आप नेचुरली दूर रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि जानवरों को बीमारियां कहाँ होती है, ये ब्लड डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर कम से कम होती है, उनको कोई डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही क्योंकि वो सब नेचुरल खाते, कोई खाना नहीं पकाते हैं, कोई उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं डालते, कोई आर्टिफिशियल इसेंस नहीं डालते, कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नहीं डालते। तो ये सब चीज़ें जब आर्टिफिशियल नहीं डालेंगे, आप नेचुरल खाएंगे, कहते हैं ना मोटा खाएं मोटा ना होए, तो अपने आप को आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करें, अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। ABCD जो डायबिटीज़ में होती है, कि ए फॉर A1C यानी वो जो 3 महीने का ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, बी फॉर ब्लड प्रेशर, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल और डी फॉर डाइट्स एक्सरसाइज, मैंने ये अपने बनाए हैं। तो ए के लिए मैं बोलता हूँ कि अवॉइड योर वेट गेन, बी के लिए बिहेव योर सेल्फ नेचुरली, सी के लिए कंट्रोल योर वेट और डी के लिए डाइट, एक्सरसाइज, डांस, ये सब चीज़ों का उपयोग करें। और जो डायबिटीज़ के मरीज हो चुके हैं वो अपना नियमित रूप से चेकअप कराएं, यहाँ पैसे को नहीं देखें, नियमित रूप से चेकअप कराएं, अपनी दवाइयों में नियमित रूप से चेंज लाएं डॉक्टर के कहे अनुसार, और डायबिटीज़ के गंभीर प्रभावों से बचें। आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ा रहता है तो नुकसान ज़्यादा नहीं होता, ब्लड ग्लूकोज कम होता है तो आपको लाइफ थ्रेटनिंग होता है, पर ब्लड ग्लूकोज लंबे समय तक बढ़ा रहेगा तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और वो कॉम्प्लिकेशंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।